पूरी बातचीत हो गई और तय हो गया। क्या तय हो गया? थोड़ा विपक्ष कि एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। सब एकदम पूरा कर, पूरा कर। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। दिल्ली में बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ बड़ा बयान दिया है। उसके बाद हम आपको सुनाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं वो। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे नीतीश कुमार का क्या कुछ कहना है। तो हम लोग तो बातचीत करने आए ही थे, आपको मालूम है। बातचीत हो गई सर, पूरी बातचीत हो गई और तय हो गया। सर क्या तय हो गया? थोड़ा विपक्ष कि एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। आज बात हो गई है, आप समझ गए, दिन में बात करा ही दी आपको कांग्रेस से। अब उसके बाद वहाँ जो बात हुई और उसके बाद तो हम लोगों का पहले से इनसे बातचीत थी ही, तो आज फिर आ गए, तो आज हम लोगों का ये तय हो गया कि नहीं ठीक। अधिक से अधिक दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अब एक अभी आपने सुना नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है। इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है, ये सब एकदम पूरा कर, पूरा कर, बात तो पूरी हो जाएगी। अभी आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते। जैसे जैसे हम लोग रास्ते में चलेंगे वैसे वैसे आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।